का नाम वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है प्यारा कुल्लड़। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो यही कि हम लोग जब ये फिल्म बनाने के लिए शुरू करने के लिए बैठे तैयार कर रहे थे, तो काफ़ी सारे हमने लव स्टोरी है ये फिल्म हमारी, तो इसके लिए हमने काफ़ी टाइटल रजिस्टर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन कोई टाइटल मिला नहीं। तो एक दिन मैं और मेरे प्रोड्यूसर प्रेमचंद सिंह हम लोग बैठे लस्सी पी रहे थे कुल्लड़ में, तो इन्होंने बोला इस फिल्म का नाम कुल्लड़ क्यों ना रख दिया जाए। तो मैंने कहा नहीं, इसका नाम रखते हैं प्यारा कुल्लड़, क्योंकि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी के अंदर अक्सर क्या होता है कॉलेजेस में, जो कोई लड़का सीधा साधा या इस टाइप का दिखाई देता तो उसको लड़कियाँ बोलती हैं साला कुल्लड़ है कुल्लड़। तो हमारी हीरोइन बोलती तुम्हारे लिए कुल्लड़ होगा, हमारा तो प्यारा कुल्लड़ है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसका टाइटल रखा प्यारा कुल्लड़। दरअसल एक महीने तक हम लोग रोज़ 10 टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते रहे, लेकिन जब भी आता था तो ये आता था ऑल टाइटल इज रजिस्टर्ड, योर टाइटल इज कैंसलेड। तो मैं एक दिन टाइटल 10 और भेजा, तो एक कुल्हड़ में लस्सी में हम लोग पी रहे थे हम और डायरेक्टर साहब, तो मेरे मैसेज आया उसी पीते समय, तो उसमें आया था जो आपने 10 टाइटल भेजे थे वो कैंसिल हो गए। तो मैंने गुस्से में कहा सर एक कुल्हड़ तो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो ये 3 सेकेंड बाद बोले प्यारा कुल्हड़, मतलब इसका इमेजिंग इसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। बस उसी समय हम लोगों ने उसको भेजा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, बोले ये कुल्हड़ भर इसका रजिस्टर्ड है। फिर मुंबई आकर के सर ने लोगों से बात की और ये प्यारा कुल्हड़ रजिस्टर्ड हो गई, और सर ने कहानी लिखी और हम लोगों ने शूटिंग शुरू की और आज बन के कम्प्लीट हो गया आपके सामने। अभी 26 मई को रिलीज हो रही है देश के सारे सिनेमाघरों में, और ये एक अपोजिट लव स्टोरी है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। जैसा सर का टाइटल है कि पोती और बाबा एक साथ बैठ के देखें, और बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारे साथ साउथ के सुपरस्टार मानस जी ने काम किया है, अप्सरा रानी ने काम किया है, और हमारे बैटमैन नाम से जाने वाले गुलशन ग्रोवर जी ने काम किया है, और हमारे शक्तिमान मुकेश खन्ना जी ने काम किया है, और बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्शन के लोग जुड़े रहे हैं जिसमें सर आपको बताएंगे, और वो यूनिट के कौन कौन से लोग हैं, जैसे हमारे एसोसिएट सूरज कुमार, एपी वीरेंद्र कुमार, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। सर बड़ी कास्ट को एक साथ लेकर चलना एक फिल्म बनाना आसान होता है, क्योंकि हम तो देख लेते कि बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन फिर बाद में बिहाइंड द कैमरा क्या क्या चीज़ें चलती हैं। नहीं, जिस तरह आपने पूछा कि बड़े कलाकारों को लेकर फिल्म बनाना आसान है या मुश्किल, तो मेरा कहना सबसे बड़ा ये है कि मैंने काफ़ी बड़े बड़े, ये सब समझ लीजिए कि महानायक जी के साथ भी मैंने 5 फिल्में बनाई हैं, तो बड़े कलाकारों के साथ काम करना ज़्यादा आसान है, बशर्ते नए कलाकारों के साथ काम करने के, क्योंकि वो हर चीज़ को समझते हैं, और वो मैक्सिमम मैंने ये देखा कि वो डायरेक्टर्स के एक्टर होते हैं, और डायरेक्टर्स के एक्टर होने की वजह से हर डायरेक्टर को ये सहूलियत होती है उस कलाकार से काम करवाने में। जैसे अमिताभ जी हैं, उन्होंने कभी आज तक किसी भी फिल्म के अंदर मुझे ये नहीं कहा कि ये मैं नहीं करूँगा, उन्होंने कहा कि ये ऐसा करूँ तो चलेगा, कभी नहीं कहा। तो जो बड़े कलाकार हैं, जो महान कलाकार हैं, जो सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, कभी वो इंटरफेयर करते ही नहीं है डायरेक्टर को, क्योंकि उनको मालूम है कि डायरेक्टर का विज़न जो है बिल्कुल क्लियर होता है, और वो फिल्म को किस ढंग से बना रहा है ये उसको मालूम है डायरेक्टर को, ना कि कलाकार को, तो इसलिए वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। मैंने, मेरा तजुर्बा यही है, जैसे मैंने अमिताभ जी के साथ किया, जया बच्चन जी के साथ किया, हेमा मालिनी जी के साथ की फिल्म, नगमा के साथ फिल्म की, भूमिका चावला, अरुणा ईरानी जी, काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया, किसी ने कभी कोई चीज़ रोकी नहीं, टोकी नहीं। नए कलाकारों में ज़रूर कुछ नखरे होते हैं, और वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको स्टार बनना है और ये बने हुए हैं, ये भी हो सकता है, तो एक जनरेशन गैप भी आप मान सकते हैं, लेकिन बड़े कलाकारों के साथ काम करना मेरी नज़र में ज़्यादा आसान है। और एक चीज़ मैंने ये देखा, ये जब फिल्म शूट हो रही थी तो इत्तेफाक है ये कि 26 मई को इसका मुहूर्त हुआ था लखनऊ में, और बीच में हम लोगों ने ट्राई किया कि बीच में रिलीज़ कर दिया जाए फरवरी मार्च अप्रैल में, लेकिन देखिए इत्तेफाक कैसा है कि वो शुक्रवार ही पड़ा जो 26 मई 2023 को फिल्म रिलीज हो रही, और वहाँ पे जो हम लोगों ने शूट किया मेरी यूनिट ने, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, चाहे हमारे आर्टिस्ट हों या मेरी यूनिट के मेम्बर, 50 डिग्री हीट में हम लोगों ने इस फिल्म को शूट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है, और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, और मेरे हिसाब से फिल्म हमारी जो बनी है ये 10-15 साल बाद ऐसी फिल्म बनी है जो साफ़ सुथरी और अच्छी सभी के देखने लायक है। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि 50 डिग्री टेम्परेचर में शूट की हुई फिल्म
आपको ऐसा लगेगा जैसे हिल स्टेशन में शूट की हुई है, इतनी खूबसूरत उसकी लोकेशन, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह है सारी चीज़ें। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर उसमें इंटरेस्ट लेके देखें पिक्चर, और पिक्चर की तारीफ़ करें, पिक्चर को आगे बढ़ाएं, थिएटर में जाएं, ज़रूर देखें। और इसमें हमारे जो बड़े आर्टिस्ट रहे गुलशन ग्रोवर जी, इतनी धूप में उन्होंने कभी मना नहीं किया, जैसे उनको टाइम पे बताया गया कि आपको 11 बजे पहुँचना है या 12 बजे, कभी भी नहीं। जैसे हम लोग कहते थे कि एसी से निकलने के बाद में वेंटी वैन से, लेकिन उन्होंने उस 50 डिग्री में शूट किया। यही हाल हमारा अप्सरा रानी का भी था, और उन्होंने भी कड़कती धूप में, क्योंकि जब रोड का एक सीन होता है जो लगभग दिन के 12 बजे 50 डिग्री में है, तो उसमें मानस है, अप्सरा है, मेरी पूरी यूनिट के लोग, डायरेक्टर साहब हैं, मैं उस दिन बता रहा हूँ इतनी हीट थी कि मैं वैनिटी से बाहर नहीं निकला और वो शूट होकर गया। मैंने जो इमेजिन था ये लोग कैसे शूट करके आ गए। तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी फिल्म में बड़ा सहयोग किया, और सारा श्रेय हमारे अभिषेक चड्ढा जी को जाता है, और आपको बताएंगे कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। जैसे मेरे कलाकारों में मानस नागुलवल्ली, ये साउथ के हैं, हैदराबाद से हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। अप्सरा रानी बहुत मेहनत की। गुलशन ग्रोवर के बारे में तो खैर दुनिया जानती है कि बहुत मेहनती इंसान है और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत से काम किया, सभी कलाकारों ने, और यूनिट के तकरीबन सभी लोगों ने, मेरे DOP हो या कोई भी हो, सब ने इसमें बहुत मेहनत से काम किया। और मेहनत से काम करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारे निर्माता प्रेमचंद जी को, क्योंकि इन्होंने अगर यूनिट में कोई ज़रा सी चीज़ की कमी होने नहीं दी, हर चीज़ पहले से ला के रखी, हर चीज़। तो सब जब तक सहयोग बराबर नहीं होगा और निर्माता जब तक पूरी तरह से प्रॉपर नहीं जुड़ेगा, तो यूनिट कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी छोटी हो, आप काम नहीं कर सकते, पिक्चर नहीं बना सकते। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्रोड्यूसर का, निर्माता का, तो जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छा काम किया, और हर चीज़ किसी को एक सुई से लेकर तलवार तक की कमी नहीं आने दी, ये चीज़ बहुत अच्छी थी इनकी। और सभी कलाकार और सारे टेक्नीशियन हमारे बड़े खुशी काम किए। इस फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, इस फिल्म के गाने मेलोडियस हैं। मैंने इस फिल्म में जो गाने रखे हैं वो आज के टच के हिसाब से पुराने टच में भी रखे हैं। इस गाने के इस फिल्म में मेलोडियस सॉन्ग्स और कुछ लाउड सॉन्ग्स भी हैं, और बहुत अच्छे गाने हैं। गाने विष्णु नारायण जी ने म्यूज़िक दिया है, तो विष्णु नारायण जी ने जो म्यूज़िक दिया, बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। गाने लिखने वाले सब अच्छे हैं इसमें। गानों में सिंगर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं, ऋचा शर्मा हैं, सारिका सिंह हैं, दलेर मेहंदी जी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी वो लोग आए शायद, तो आप लोग उनसे भी बातचीत कीजिए। और एक गाना हमको लगता है कि 15-20 साल बाद जो देशभक्ति पर बना हुआ है, जिसको दिलेर मेहंदी जी ने गाया है और पर्दे पर मुकेश खन्ना जी ने फिल्माया, भारत माता की जय, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और ये देश भर में बजेगा। ये 10-15 साल बाद ऐसा देशभक्ति पर गाना आया है, और दिलेर मेहंदी जी ने गाया भी बहुत खूबसूरती से है, और फिल्माया भी गया बहुत खूबसूरती से मुकेश खन्ना जी के ऊपर, और कोरियोग्राफर उसके हैं पप्पू खन्ना जी, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी सब मीडिया बंधुओं को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और हमारे जो सब कलाकार, सारे टेक्नीशियन, मैं सबका आभारी हूँ, और ख़ास तौर से मेरे निर्माता प्रोड्यूसर प्रेमचंद जी का काफ़ी आभारी हूँ। इन्होंने पूरी यूनिट को पूरा साथ दिया, और आप लोग हमको फिल्म को हमारी बढ़ाने के लिए जो साथ दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इसको देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, क्योंकि एक अच्छी साफ सुथरी फिल्म है, जिससे लोगों का मन बदले और आगे चल कर उस पर काम करने की कोशिश, और प्रोड्यूसर का भी हौसला बढ़े, जिससे यूनिट भी चलता रहे, सारे लोगों का काम चलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू। अब प्रेम ही प्रेम है, प्रेम नाम है मेरा, वहाँ से प्रेम है। हमारी फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ बताया प्रेम जी ने, और इन्होंने हम लोगों को ब्लेसिंग्स दी। बहुत सालों से हम लोग जान पहचान है हमारी, एक और हमारी मित्रता है ये हमारी हीरोइन। इन लोगों ने सबने जिस तरह से बताया प्रेम जी ने कि बहुत तपती हुई धूप में काम किया, लेकिन शिकन जरा सी भी नहीं आई चेहरे में, ये इन लोगों के एक्सप्रेशन की खूबी थी कि इन लोगों के चेहरे में शिकन नहीं आई। ये सबसे बड़ी बात है, और एक कलाकार, अच्छा कलाकार वही होता है जिसके चेहरे में शिकन नहीं आती काम करते वक्त। आपके दिमाग में सोच होती है कि गर्मी है तो गर्मी लगती है, दिमाग में सोच होती है कि नहीं गर्मी नहीं है तो गर्मी नहीं लगती है।
इन लोगों ने वही सोच रख के काम किया और बहुत अच्छा काम किया, और मैं इन लोगों के काफ़ी आभारी हूँ। हमारे मानस जी, अप्सरा रानी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और अप्सरा रानी जी की मदर ने बहुत साथ दिया। ये कभी कभी गर्मी में गुस्सा हो जाती थी तो वो इसको ठंडा कुछ पिलाती थी कि ले बेटा पी ले, थोड़ी ठंडी हो जाए। तो हमने कहा हमको हीरोइन गर्म चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए, आप क्यों ठंडी कर रहे? तो हमेशा इनको बोले अच्छा भाई ठीक है, डायरेक्टर को जैसा चाहिए वैसा करो। इन लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और साफ सुथरी एक अच्छी फिल्म बनाई है। इसमें प्रेम चोपड़ा जी ने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें वो चीज़ें नहीं रखी जो ये करते। बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के मेन पिलर होंगे प्रेम चोपड़ा जी। थैंक यू, थैंक यू। और ये मैं पहले इनके घर पे जाके कमिट करवा के आया हूँ, मैं बालकिशन जी के साथ आया था। अच्छा अच्छा, बालकिशन भी आया हुआ है। हाँ जी, आया है। अच्छा, तो मैं अभी नेक्स्ट पिक्चर में जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें प्रेम चोपड़ा जी मेरे पिलर रहेंगे। अच्छा, और एक सुधरे हुए पिलर, पुराने नए दद्दू बनाऊंगा मैं। यानी शरीफ आदमी नहीं हूँ मैं, शरीफ आदमी नहीं, दद्दू तो बनाऊंगा। शरीफ जो काम करेंगे शराफत से करेंगे, जो काम करेंगे अभी शराफत से करेंगे। मैं चाहूंगा कि सर भी दो शब्द हमारे लिए कहें, क्योंकि बोले कभी हम सकल होते हैं जुड़वा और कभी हम नाम होते, तो हम नाम हैं हम दोनों लोग। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप साथ खड़े होंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ आया हूँ और मैं ये हैंडसम पेयर जो है आपका, ये बहुत ही मॉडर्न किस्म का और ये बहुत कामयाबी का एक चेहरा है। और जो गर्मी में आपने काम किया, देखिए हम लोग तो ना सिर्फ गर्मी में बल्कि बारिश में भी काम करते रहे, तो इसमें ज़रा स्ट्रगल रहती है फिल्म इंडस्ट्री में, और स्ट्रगल के बाद ही कुछ कामयाबी मिलती है। तो ये आप ये ख्याल रखिएगा हमेशा कि ईमानदारी से, और सबसे पहले आपको तरजीह देनी चाहिए अपने काम की, तभी जाके कुछ बनता है इंसान, वरना बहुत से आते हैं और बहुत से चले जाते हैं। और आजकल तो आप बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गए हैं, जैसे अभिषेक जानते हैं कि हर जो किस्म का आसान हो गया काम। तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं, मेरी गुड विशेज़ हैं, मेरी दुआ है कि ये बहुत कामयाब रहें और लोटा ही लोटा खाएँ आप। थैंक यू सर। ठीक सर, मैं एक बात मानस जी के लिए बोलना चाहूँगा। मानस जी ने, हाँ माइक के पास आ जाता हूँ, मेरी हीरोइन अवॉइड हो जाएंगी, थोड़े इस साइड आ जाओ। मानस जी ने इस फिल्म में इतनी तपती धूप में काफ़ी फाइट की, काफ़ी लड़ाई झगड़े किए, लड़ाई झगड़े इन द सेंस फिल्म की लड़ाई झगड़े, काफ़ी अच्छे काफ़ी मेहनत से काम किया। और इस आदमी के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी क्या है, मानस के अंदर एक बड़ा सुलझा हुआ कलाकार है। सुलझा हुआ कलाकार होने से फ़ायदा ये होता है कि वो अपने सपोर्टिंग एक्टर को भी अपने रास्ते पे काम करवा लेता है। ये एक सुलझे हुए कलाकार की बहुत बड़ी एक पहचान होती है। तो मानस एक बड़े सुलझे हुए कलाकार, और मेरे दोनों कलाकार, दोनों हीरो हीरोइन, गुलशन जी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, गुलशन जी तो बेचारे कभी कभी सुधर जाते हैं। वरना तो उनका टैग लाइन है बैड मैन। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे सारे कलाकारों ने मेरा बहुत सहयोग दिया, बहुत मेरे टेक्नीशियंस ने सहयोग दिया। इस फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, इस फिल्म के हमारे कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना, अजय, काफ़ी अच्छा है, हाँ सब ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे टेक्नीशियंस का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और प्रेम जी यहाँ पर आए हैं इनका तो मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा। ये उम्र में मुझसे थोड़े बड़े हैं, यही तो थोड़े बड़े अभी हम अभी इनकी कैप उतरवाइए, देखिए दोनों भाई लगते हैं। ना बहुत अच्छी बात है, ये मेरे बस यही है कि आप दोनों जो इतने अच्छा कलाकार हैं, आपको दोनों एक बहुत पुराना किस्सा आप लोगों को सुनाता हूँ जी, बहुत पुराना किस्सा है लेकिन वो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैंने पहले एज ए हीरो काफ़ी फिल्में की हैं, तो मैं तुलसीराम से जी की एक फिल्म थी पुराना मंदिर, वो फिल्म मैं करने जा रहा था, जिसको बाद में इसने जावेद खान ने काम रोल किया। तो मैं जब वो फिल्म की बात करके आया, तुलसी जी ने रात भर वो वीडियो कैसेट दिखाए मुझे कि ये रोल है, ये रोल है, ये रोल है। और सुबह दूसरे दिन जब मैं इनके घर पहुँचा, मेरा बड़ा जाना आना था,
तो इन्होंने बोला उसकी पिक्चर मत करना, भूत लग जाएंगे पीछे। अब उनका फोन आया, मैं डर के मारे उठाऊ नहीं, मैंने कहा ना बोलूंगा तो मुसीबत, हाँ बोलूंगा तो मुसीबत, इनकी बात काट नहीं सकता। और वो मेरे दिमाग में घुस गई, तो मैंने पुराना मंदिर छोड़ दी। पिक्चर बहुत अच्छी चली, इन्होंने हंसी मजाक में बोला था, हंसी मजाक में बोला और मैं सीरियसली ले लिया, क्योंकि मेरा कैरियर स्टार्ट था, चल रहा था। इस तरह की एक किस्सा था, बहुत पुराना किस्सा है वो, मैंने कहा याद भी दिला दूँ। और राम सूर्य की अपना एक स्टाइल था, हर एक डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर का एक कुछ स्लॉट होता है जिसमें वो अपनी फिल्म में बना के उनको तजुर्बा हो जाता है कि ये फिल्म जो है हम कामयाब हो जाएगी। मैं सिर्फ इन दोनों को एक ही एडवाइस करना चाहता हूँ कि जिंदगी, दिस लाइफ इज़ ए चैलेंज फॉर यू एंड यू हैव टू नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड, यू हैव टू बी अप ऑल द टाइम अगेंस्ट इट। कभी मायूस मत होइए, लाइफ इज़ ए चैलेंज। और इसको याद रखिए कि कभी भी आप कामयाबी को हासिल कर सकेंगे। और यह है कि बुझ जाए शबा तो जल सकती है, कश्ती हद तूफान से गुजर सकती है, अरे मायूस ना होना, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। आप आइए। आपने हीरोइन पे कब्जा कर रखा था, आपकी जगह पे खड़ा था ना, ऐसा तो नहीं था कि डर लग रहा था। नमस्कार, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी मैं बहुत खुश हूँ कि प्रेम चोपड़ा सर के साइड में यहाँ पे खड़े होने का मौका मिला, बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और थैंक यू अभिषेक चड्डा सर, उनकी वजह से मैं इस मूवी में हूँ, तो उन्होंने मेरे पे इतना भरोसा दिलाया, इतना भरोसा दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उनका इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी कुछ सीखने मिला। और बहुत खुशी है, इतनी अच्छी मूवी, इतनी प्यारी मूवी आजकल हमको देखने को मिलती नहीं है, इतनी सॉफ्ट रोमांटिक कॉमेडी, इतनी क्यूट सी स्टोरी है। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्यूट मूवी। थैंक यू प्रेम सर, प्रेम सर सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर, इतने कूल और काम रहते हैं सर, हर चीज को बड़ा कूलली, बड़ा प्यार से हैंडल करते हैं, विच इज रियली गुड, विच जो हम लोगों को भी इतनी गर्मी थी, ऑफकोर्स जैसे सबने कहा 50 डिग्री में हम शूट कर रहे थे, फिर हमको अच्छा दिखना भी होता है स्क्रीन पे, सो बहुत कुछ था, बट इतना कूलली हम लोगों को हैंडल किया और इतना एक्सपीरियंस मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। सूरज इज़ ऑल्सो अ वेरी कूल एसोसिएट डायरेक्टर, ही इज़ अमेजिंग, ही यूज़ टू ऑलवेज मेक मी लाफ इवन इन 50 degrees, सो इट वाज ग्रेट वर्किंग विथ हिम एंड मानस एंड वी हैड अ ग्रेट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री विच यू गैज विल सी एंड आई एम श्योर यू गैज विल लव इट। So I'm very happy to be a part of it and Prem Chopra sir yahan pe aaye, which is a big surprise, mujhe nahi pata tha aur unko dekh ke abhi I'm like shivering because unko bachpan se TV pe dekha hai aur abhi dekhiye main sharif aadmi nahi raha, abhi main असल में शरीफ आदमी हो गया। आप सर शरीफ पहले भी थे, सिर्फ रोल करते थे। मानस जी आप क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? आइए सर के पास आ जाइए, बोलिए, आवाज आइए सर, मानस जी आइए। गुड इवनिंग गाइज, आई एम मानस नागुलपल्ली, सो दिस इज़ माई डेब्यू बॉलीवुड मूवी, हिंदी में पहली पिक्चर कर रहा हूँ मैं, सो थैंक यू अभिषेक सर एंड थैंक यू प्रेम सर फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई एम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद, सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ तेलुगु फिल्म्स, बट दिस इज़ हिंदी में पहली प्रोजेक्ट है, तो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग। एंड ये जो रोल सर दिए है, विधान का रोल जब मुझे बताया गया है, तो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट, यू नो, क्या मैं ये रोल कर पाऊँगा, क्योंकि हिंदी इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, तो आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन आई हैव टू कम एंड एक्ट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। एंड पहला ही सीन मुझे गुलशन ग्रोवर सर के सामने लगा दिए है, एंड इट वॉज अ इंटरवल का जो सीन रहता है, दैट वॉज अ फर्स्ट सीन ऑफ माइन। एंड गुलशन जी डायलॉग बोलते जा रहे हैं और मुझे भी ऑपोजिट में उतना ही बड़ा डायलॉग बोलना था, एंड आई वॉज रियली स्केर्ड बिकॉज द ओनली पर्सन दैट आई नो इज कैमरामैन स्वामी सर, हु हैज रेफर्ड मी बिकॉज वी हैव डन अ प्रोजेक्ट
इन तेलुगु कॉल्ड ग्रीन सिग्नल. अच्छा. सो पहला ही सीन मुझे गुलशन ग्रोवर जी के आगे लगा दिए और इतना दो पेज का डायलॉग बोलना था. और सर अभिषेक सर बोले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यार, ये उनो गुलशन ग्रोवर जी नहीं है, ही इज जस्ट अ कैरेक्टर इन द फिल्म. ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, ऐसा आपका मॉडुलेशन है. ही मेड मी इन सच अ कम्फर्ट जोन. एंड सूरज जी थे वहाँ पर, स्वामी सर थे, एवरीबडी मेड मी सो कम्फर्टेबल. एंड इट वॉज रियली यू नो रियली नाइस दैट पहला ही सीन ओके एक मुश्किल का सीन हो गया है. तो रेस्ट ऑल वॉज ईजी पीजी एंड वी एन्जॉयड द शूटिंग एंड ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी लवली. पहले ही मुझे बोलना है क्या, बिकॉज आई लव टू डू सॉन्ग्स एंड विष्णु जी हैज़ गिवन सच अ वंडरफुल म्यूजिक. ईच एंड एवरी सॉन्ग इज डेफिनेटली डेफिनेटली गोइंग टू बी सूदिंग टू योर ईयर्स. एंड इट्स रियली अ प्लेजर वर्किंग विद पप्पू खन्ना सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड रेस्ट ऑफ द टीम हैज़ बीन रियली रियली नाइस एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू सो मच. वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सर. और वो सीन बहुत ही अच्छा, फर्स्ट सीन जो था वो फिल्म की जान है. और आप दोनों लोगों ने जो केमिस्ट्री की है, बहुत अच्छा सीन फिल्म है. फिल्म का टर्निंग जो इंदरवन का था और वहीं से टर्निंग पॉइंट है. तो बहुत ही अच्छा मानस जी ने किया. और मैं एक बार फिर अपने नामा राशि, जैसे बोले कोई हम सकल होता है कोई हम नामा होता है, प्रेम चोपड़ा जी का. और इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं. जैसे हमारा टाइटल सॉन्ग है प्यारा कुल्हर, उसके गायिका सारिका सिंह है. मैं चाहूँगा कि वो आए यहाँ पे, एक मिनट के लिए आ गई हैं. एक मिनट और आइए. दिल लव सोचते ही रहेंगे, दिल प्यार करेगा. लेकिन जो टाइटल सॉन्ग है वो आपने और ये अमित जी ने और बहुत ही अच्छा गाया है. मैं चाहूँगा कि सारिका जी भी कुछ आप लोगों से शेयर करें. सबसे पहले तो थैंक यू आपको कहना चाहूँगी प्रेम जी, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और अभिषेक चड्ढा जी, जिनके कारण मुझे इतना अच्छा गाना मिला है. और आप सभी को बता दूँ ये मेरा पहला डेब्यू सॉन्ग रहेगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और हिंदी फिल्म मूवी के लिए. और विष्णु जी ने बहुत अच्छे से उसे कंपोज किया है और मेरा सौभाग्य था कि मैंने गाया. मैं चाहूंगा कि दो लाइन गा के सुनाएं. मैं चाहूंगा कि दो लाइन गा के सुनाएं. और ये मेरी पहली हिंदी फीचर फिल्म है और इसमें बहुत लोग साथ में जुड़े हैं जो फर्स्ट टाइम है. उसमें पहला जो हिंदी गाना गाया है वो शारिका जी ने गाया. बहुत ही अच्छा गाया है, बहुत ही प्यारा गा के सुना दीजिए. कैसे बताएं कितना तुम पे मरते हैं हम तो यार, बस इतना मालूम है खुद से ज्यादा है तुमसे प्यार. क्या बात है. कैसे बताएं कितना तुम पे मरते हैं हम तो यार, बस इतना मालूम है खुद से ज्यादा है तुमसे प्यार. जब से दिल में आया है तो मच गए दिल में हुल्लड़. क्या बात है. तुम मेरा प्यारा दिलबर, तू प्यारा कुल्हड़. क्या बात है. बहुत 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 बहुत.